अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेज पराठा। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है धोकर, आधा कप पानी डाल दिया था, एक टीस्पून मैंने इसमें आधा लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया, नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से, मिक्स करें और इसको प्रेशर कुक करें 5 मिनट के लिए सीटी बजने के बाद से लो फ्लेम पे। देखें मैंने इसको प्रेशर कुक कर दिया था और इसका जो एक्सेस पानी था उसको सुखा दिया और इसको शेड कर दिया। आधा किलो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है और आधा किलो बारीक कटी हुई गोभी ली है। 3 मीडियम साइज कटी हुई प्याज ली है। हाफ कप तेल गरम हो गया है, इसमें 3 मीडियम साइज कटी हुई प्याज ऐड करें। आधा टीस्पून नमक ऐड करके प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लें। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन पेस्ट को लाल होने तक फ्राई कर लें। अदरक लहसुन पेस्ट गोल्डन हो चुका है, लाल हो चुका है, अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करें और मसाले को भून लें। एक टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड करें। अब मसाले को भून लें। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें। एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। मिक्स करें। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और गोभी ऐड करें। मिक्स कर लें अच्छी तरह से। नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से। मिक्स करें इसको मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर दें। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर, मटर। मीडियम फ्लेम पे सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें 4 हरी मिर्चियां और आधा कप हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर दें। मिक्स कर लें। अब ये तैयार हो चुका है, गैस ऑफ कर दें। देखिए यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो। मैंने एक पेड़ा ले लिया है, उसको आटा लगाकर अभी मैं थोड़ा सा बेल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बेल दिया है, स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, अब इसमें स्टफिंग भरें। स्टफिंग ठंडी ही करके भरना वरना आटा फट जाएगा। ज़्यादा स्टफिंग भरें और इसको सील कर दें। इस तरह से इसको सील करें।
अब इस पे आटा लगाकर इसको हल्के हाथ से बेल लें। बेलने में अगर ये चिपक रहा है तो आटा फिर से लगा दें। इस पराठे को आप घी से या तेल से सेक सकते हो। मैंने यहाँ घी यूज़ किया है। ये पराठा दही से बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा डिश है। देखिए मैंने इस पे घी डाल दिया है, अब इसको सेक लें। यहाँ पे भी आप घी डाल लें। आगे पीछे से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लें। चिकन वेज पराठा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।